मेरा नाम रिफाना रफीक मलिक है। मैं तरन्ना में रहती हूँ। तरन्ना में सिलाई सेंटर था 2 महीने। हमने बहुत कुछ सीखा, प्लाजो, शरारा, कमीज, फ्रॉक, घाघरा और बहुत कुछ सीखा। हमें टीचर भी बहुत अच्छे थे। हम इंडियन आर्मी का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने यहाँ पे सिलाई। मेरा नाम नसरीना बानू है। मैं तरन्ना में रहती हूँ। हम 85 लड़कियाँ यहाँ पे सीखने के लिए आते थे और उसमें हमें 4 टीचर हैं। उन टीचरों ने हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, कमीज, सलवार, फिराका, शरारा और प्लाजो। और हम इंडियन आर्मी के लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम चाहते हैं कि और इससे आगे हमारा प्रोग्राम शुरू रहेंगे कि हम और यहाँ आएंगे सीखने के लिए कि हम अपनी तरक्की पूरा करेंगे। और हम इंडियन आर्मी से दिल से शुक्रिया। मैं मोहम्मद रफीक नायक, सरपंच खड़ी अपरे से हूँ। मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचायत खड़ी अपरे की तरफ से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि 2 महीने पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से एक सिलाई सेंटर खोला गया था, तो उसमें कम से कम यहाँ पे 85 बच्चियों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उस सेंटर में। तो उन 85 बच्चियों के लिए सिर्फ 4 उस्ताद यहाँ पे थे। उन उस्तादों ने भी अपने तरीके से पूरी मेहनत की और उन बच्चों को सिखाया 2 महीने। तो आज यहाँ पे जो यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था वो आज क्लोजिंग डे था यहाँ पे का इख्तिताम पजीर था यहाँ पे उस सेंटर का। तो यहाँ पे रिजल्ट भी आज सामने आए। उन बच्चों ने इन 2 महीनों में बहुत अच्छा सीखा, मेहनत की, तो आज उन्होंने अपने मेहनत का जो यहाँ पे फल था वो पाया। और आर्मी की तरफ से यहाँ पे उनको सर्टिफिकेट भी दिलवाई गई। तो मैं फिर एक बार इंडियन आर्मी सीओ साहब का और पूरे इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के लिए ऐसी तरक्की सोची और इन बच्चों को जो आज यहाँ पे मौका मिला, ऐसा मौका बार बार होना चाहिए। आर्मी की तरफ से मैं यही गुजारिश करता हूँ सीओ साहब से और जो हमारे यहाँ पे कैप्टन साहब, उनसे गुजारिश करता हूँ ये मौका हमें बार बार दिया जाए, क्योंकि हमारे बच्चियाँ आगे मुस्तकबिल के लिए अपनी तरक्की और बच्चियों को सिखाने के लिए बार बार ये प्रोग्राम रखा जाएगा यहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से और पूरी पंचायत खड़ी अपर की तरफ से इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ।